हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मारा और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 19 जो बता रखा है जनरल मीटिंग। ठीक है, कंपनी लॉ हमने स्टार्ट कर दिया था, सेकंड पार्ट से हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, क्योंकि ये आसान है और ये हमारे एग्जाम में 14 नंबर का आता है, तो इससे क्या होगा कि हमारे एग्जाम में पकड़ ज्यादा हो जाएगी और आसानी, इसलिए हमने इसे पहले स्टार्ट करा था। हमने 15, 16, 17, 18 कंप्लीट कर दिया था। अब आते हैं 19 पे जो है जनरल मीटिंग। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते आज का चैप्टर। बात करते स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन से। अ मीटिंग में बी जनरली डिफाइन एज अ गैदरिंग और असेंबलिंग और गैदरिंग टुगेदर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। मीटिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम आम भाषा में बात करें तो अगर कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी चीज पर डिस्कस करते हैं, किसी चीज को लेके बात करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत, तो हमें उसे मीटिंग कहते हैं। वही यहाँ पर भी है, मीटिंग में बी जनरली डिफाइन एज अ गैदरिंग, गैदरिंग इकट्ठा होना, असेंबली किसी काम के लिए, और गैदरिंग टुगेदर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस, किसी लॉफुल बिजनेस के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं मीटिंग। देयर मस्ट बी डील एट लीस्ट 2% टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग, देयरफॉर वन शेयर होल्डर यूजुअली कैन नॉट कंस्टिट्यूट अ मीटिंग कमिटी कंपनी मीटिंग एवर इफ होल्ड अ प्रॉक्सी फॉर द अदर शेयर होल्डर, हाउएवर इन सर्टेन एक्सेप्शंस सर्टेन इवन 1% कैन कंस्टिट्यूट मीटिंग। मीटिंग करने के लिए 2% होना कंपलसरी है, दो लोग होंगे तभी मीटिंग होगा, इसीलिए 1% मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकता, मगर कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जहां 1% खुद मीटिंग कंस्टिट्यूट कर सकता है। इट इज टू बी नोटेड दैट एवरी गैदरिंग और असेंबली डज नॉट कंस्टिट्यूट अ मीटिंग, कंपनी मीटिंग मस्ट बी कन्वेड एंड हेल्ड इन अ परफेक्ट कंप्लायंस विद द वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एंड द रूल्स एंड फ्रेम देयर अंडर। कोई भी कुछ लोग इकट्ठा होके उन है कि कुछ बात करते हैं, उन्हें हम मीटिंग नहीं कहते। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग मीटिंग तभी कहलाती है, कुछ कभी कभी कोई मीटिंग होती है वो परफेक्ट कंप्लाइंस के संग होती है, ठीक है, सही जगह कन्वे करी जाती है, सही टाइम पे कन्वीन कर जाती है और अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट करी जाती है, उसे हम मीटिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू इन आई ऑफ कंपनी एक्ट 2013। A company is a composed of members, though it has its own equity entity distinct from member. The member of a company are person who for the time being constitute a committee as a corporate entity. However, company being an artificial person cannot act on its own. It therefore express its will or take its decision through the resolution passed at a validity held meeting. The primary purpose of meeting is to ensure that company gives reasonable and fair opportunity to those entity participate in the meeting to take a decision in a prescribed procedure. Meeting कभी भी conduct करी जाती है तो किसी purpose के लिए करी जाती है, कि हम कुछ decision हमें लेना, उस purpose के लिए meeting conduct करी जाती है, और ये meeting हरदम company के लिए होगी या company के लिए हो सकती है, shareholder के लिए, members के लिए भी हो सकती है meeting। अब बात करते secretarial standard on a general meeting. Secretarial standard on general meeting, secretarial standard 2, issued by the Institute of Company Secretary India and approved by the central government, is to be mandatory adhered by the all company as provision of the section 118 subsection of 10 of Company Act 2010. हम जब कोई भी जनरल मीटिंग करना करते हैं या कंपनी का कोई भी काम करते हैं तो हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो चलते ही चलते हैं, मगर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को भी हमें कंप्लाई करना कंपलसरी होता है, उसके भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को भी हमें हर जगह उसकी भी आज्ञा का पालन करना होता है, कि जो भी हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में लिखा उसे भी फॉलो करें, ना ही केवल कंपनी एक्ट को भी। देन अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले बात करेंगे मेंबर्स मीटिंग। मेंबर्स मीटिंग होती है, A company is required to hold a meeting of member to take approval of certain business item as prescribed in this act. हर कंपनी में मीटिंग करना कंपलसरी होता है, ठीक है, किसी बिजनेस के approve करने के लिए, क्या किसी चीज के डिसीजन के लिए,
और वो भी जो भी डिसीजन होगा या भी कोई भी चीज अप्रूव करी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट ही होना चाहिए। देन द मीटिंग टू बी हेल्ड एनुअली फॉर सीकिंग अप्रूवल सर्टेन ऑर्डिनरी बिजनेस इज अ कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। A meeting to be held to run any business other than ordinary business is called extraordinary general meeting. कोई भी annual general meeting हो रही है, अगर वो ordinary business के लिए हो रही है, तो उसे annual general meeting कहते हैं। अगर कोई भी meeting other than ordinary business के लिए हो रही है, उसे हम extraordinary general meeting कहते हैं। अब meeting की बात करते हैं। Members meeting तीन उसमें बाटी के, annual general meeting, extraordinary general meeting and class meeting. So पहले बात करते हैं हम annual general meeting. According to section 96 of Company Act 2013, annual general meeting is an important event where the members get an opportunity to discuss the activity of company. Annual general meeting important annual event है, साल में एक बार करी जाती है, ठीक है, इसलिए एक important event कहलाती है ये, जहां members को opportunity मिलता है कि वो company की activity को discuss कर सके, ठीक है, उसे कहते हैं annual general meeting. Section 96 provide that every other than one person company is required to hold an annual general meeting every year. According to section 96 of Company Act 2013, ये बोला है कि जितनी भी कंपनी है अपनी इंडिया में, ठीक है, उन सबको साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग करना कंपलसरी है, other than one person company. Then secretary general की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि according to section 118 subsection 10 of Company Act 2013, हमें कंपनी एक्ट के साथ साथ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। देन अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की बात सुनते हैं। हमने 96 सेक्शन की सुन ली। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड दैट बोर्ड शैल एवरी ईयर कन्वे एंड ऑथराइज कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर कॉल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ने भी वही बोला है कि हर साल कंपनी को एक मीटिंग कन्वे करना जरूरी है, उसे जिसे हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। नाउ होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अब हम कुछ टर्म की बात करते हैं कि जब हम एनुअल जनरल मीटिंग करें तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। पहला, एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन ए कैलेंडर ईयर। अब बात करते हैं कैलेंडर और फाइनेंशियल जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, मगर जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है। तो हमने बोला है कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी वो होगी किसी भी कैलेंडर में एक बार जरूर करी जाएगी, कैलेंडर में एक बार जरूर होनी चाहिए। देन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं फर्स्ट एनुअल जनरल में। फर्स्ट अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जो उसकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए वो कंडक्ट होना चाहिए विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, समझ लीजिए फरवरी में, ठीक है, फरवरी में इनकॉर्पोरेशन हुई, अब फरवरी में इनकॉर्पोरेशन हुई तो इसका फाइनेंशियल कब, समझ लीजिए फरवरी 2020 में, तो उसका फाइनेंशियल कब खत्म होगा, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2020 में खत्म हुआ। अब 2020 में खत्म हुआ तो यहाँ से मार्च से 2020 में, मार्च से हम 9 मंथ के अंदर हमारी मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए। अब इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग इन अ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जरूरी नहीं है कि जिस दिन हमने जिस साल में इनकॉर्पोरेशन करी है उसी साल में हो, ऐसा कभी हो सकता है कि हमने जैसे 2022 है, अब 29 में हमने इनकॉर्पोरेशन करा दिसंबर में, तो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 में, तो जरूरी नहीं है कि हमारा फाइनेंशियल जिस ईयर में इनकॉर्पोरेशन हो रही उसी फाइनेंशियल को गिने, हमारे दूसरे फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। सो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि हमारी जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है वो विद इन 9 मंथ में हो जानी चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देन बात करते हैं सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। फिर दूसरी जो मीटिंग है हमारी वो विद इन 6 मंथ होना चाहिए फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल। 2020 हमने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हमारे फर्स्ट फाइनेंशियल कंप्लीट हो। अब बात करते हैं सेकंड सबसिक्वेंट की बात करते हैं। तो सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग जो हमारे होगी तो 2020 आ गया, अब 2000 में जब हमारी 31 मार्च आएगा तो उसकी 6 मंथ के अंदर हमारी सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए। देन द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ। और जो दो एनुअल जनरल मीटिंग है उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 15 मंथ से ज्यादा 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। देन कुछ रेगुलेशन की बात करते हैं।
फॉर द लिस्टेड इंडियन, जितनी लिस्टेड एंटिटीज है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, एज पर द सेबी एलओआरडीआर, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, जिसके पास सेबी का सब्जेक्ट है उसे पता होगा, और जिसके पास सेबी का सब्जेक्ट नहीं है, सेबी के सब्जेक्ट में एक अलग से चैप्टर दे रखा है, ठीक है, उसमें वो है, वो चैप्टर है सेबी एलओआरडीआर रेगुलेशन 2015. Provide that for the top 100 listed entity by the market capitalization determined as of March 31st of every financial year shall hold their annual general meeting within a period of 5 months from the date of the closing of financial year. अब बात करते हैं top 100 listed entity. जितने भी top 100 listed entity, अब ये top 100 listed entity कहीं कैसे जाती है कि top market capitalization, उनका market capitalization देखा जाता है कितना है, जिसका सबसे ज्यादा होगा और उसी में उसी टेबल में जो 100 टॉप 100 आएंगे उनकी बात कर रहे हैं, तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100 लिस्ट एंटिटी में आते हैं उसे अपना सेकंड जो एनुअल जनरल मीटिंग है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 6 था, मगर अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 5 मंथ के अंदर उन्हें अपनी सेकंड सबसिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने ली चाहिए. देन The top 100 listed entities shall provide on one way live webcast of proceeding of annual general meeting. और वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग ही लाइव वेबकास्ट भी करेंगे टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी. देन ये कंप्लीट होता है. अब बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ एजीएम. जो हमारी एजीएम जो हमें 6 मंथ के अंदर सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग थी उसे हमने 6 मंथ के अंदर कर देनी चाहिए, कंडक्ट करने लेनी चाहिए. अगर नहीं कर पाते तो हमें कितना टाइम मिलेगा कि हम कितने महीने के अंदर उसे सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट कर लेना चाहिए. अब उसकी बात करेंगे. इन अ केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंपनी टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग विद अ प्रिस्क्राइब टाइम द रजिस्टर में फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंशन टाइम विद इन विच एनी जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड. सो एक्सटेंशन कैन बी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ और नो सच एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड रजिस्टर फॉर द होल्डिंग ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. अब बात करते हैं जो सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग हमने 6 मंथ में कंडक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, और बात करते हैं टॉप 100 लिस्ट कंपनी की तो 5 मंथ में. कुछ ऐसा केसेस होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं 6 मंथ में या 5 मंथ में, तो हमें रजिस्ट्रार कुछ टाइम देता है, 3 मंथ से ज्यादा हमें टाइम नहीं देता, कि कहता है कि आप 3 मंथ और ले लीजिए, इसके अंदर आपकी सेकंड या फिर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए, और 3 मंथ से ज्यादा हम नहीं दे सकते. अब बात करते हैं ये कहाँ एप्लीकेबल. अगर हम फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो वहां हमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलता, ठीक है, नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार फॉर द होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. हमें 9 मंथ के अंदर कंपलसरी होता है कि हम कंडक्ट करें अपने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, उसके लिए हमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता, केवल सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग के लिए मिलता है. अब बात करते हैं टेस्ट योर नॉलेज. ये जितने भी टेस्ट योर नॉलेज है ये आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, आपके इससे क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा, इसे पढ़े जरूर आप लोग, ठीक है. देन अब बात करते हैं डेट टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग. डेट टाइम प्लेस, डेट कब होने चाहिए, ठीक है, टाइम कितना कब होने चाहिए और प्लेस कहाँ होना चाहिए फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, अब उसकी बात करेंगे. बस पहले बात करते हैं डेट की, सॉरी टाइम की. एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर, दैट इज 9 AM एंड 6 PM. जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो अपने 9 AM जो बिजनेस आवर होता है, ठीक है, उसके 9 AM टू 6 PM के अंदर ही कंडक्ट करने चाहिए. ये ना कि आप अब सुबह सुबह चल दे एनुअल जनरल मीटिंग करने के, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग 9 AM टू 6 PM में ही कंडक्ट करेंगे. देन डेट की बात करते हैं. ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, कोई भी दिन हम करवा लीजिए, बस उस दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए. अब नेशनल हॉलीडे किसे कहते हैं? नेशनल हॉलीडे फॉर दिस पर्पस मींस एनी इंक्लूड डे डिक्लेयर एज अ नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच एज 26 जनवरी इंडिपेंडेंट डे, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर. इन सबको हम नेशनल हॉलीडे कहते हैं, या फिर और कोई सी नेशनल हॉलीडे जो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बताई गई कि ये नेशनल हॉलीडे होता है. डेट हो गया, टाइम हो गया. अब बात करते हैं प्लेस की. इट शुड बी हेल्ड आइदर एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी और एट अ सम अदर प्लेस विद द सिटी टाउन विलेज इन विच रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज सिचुएटेड. रजिस्टर ऑफिस पे हम अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं,
मगर रजिस्टर ऑफिस ही सही, हम वहां या फिर विदिन जहां हमारी जिस स्टेट में जहां हमारी कंपनी सिचुएटेड है उस सिटी के अंदर, टाउन के अंदर या विलेज के अंदर हम कहीं भी एनुअल जनरल मीटिंग अपनी हेल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम रजिस्टर ऑफिस ही कंडक्ट करें अपनी एनुअल जनरल मीटिंग। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम दिस प्रोविजन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एज मेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी को एग्जाम दे सकता, किसी भी कंपनी को छूट दे सकता है कि आप चाहे तो रजिस्टर ऑफिस अरे सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग कहीं भी होल्ड कर सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल मेंबर इन एडवांस। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, जिन लिस्टेड कंपनी नहीं होती है, इट मीन अनलिस्टेड कंपनी, वो चाहे तो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग इन इंडिया कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं, मगर शर्त क्या होगी कि जो भी कंसेंट एनुअल जनरल मीटिंग इन इंडिया कहीं भी हेल्ड करने कंडक्ट करने के लिए हमें कंसेंट लेना पड़ेगा इन एडवांस फ्रॉम द ऑल मेंबर्स। देन ओके अब आगे बढ़ते हैं। बेसिस टू ट्रांजैक्ट एन एनुअल जनरल मीटिंग। अब हमने पढ़ा था कि एनुअल जनरल मीटिंग उन्हीं मीटिंग को कहेंगे जो ऑर्डिनरी बिजनेस पर्पस के लिए कंडक्ट करी जा रही हो, और ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जितनी भी कंडक्ट करी जा रही हो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहते हैं। तो अब ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए प्रोवाइड दैट ऑल अदर बिजनेस ट्रांजैक्शन एट एनुअल जनरल मीटिंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर स्पेशल बिजनेस। जितने भी ये मीटिंग है, जितने भी ये पॉइंट दे रखे बिजनेस ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, ठीक है, इन सबको ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। अब वो कौन कौन से हो गए? द कंसिडरेशन ऑफ इनिशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडरेशन के लिए बात करें या फिर रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें, उसे हम एनुअल जनरल मीटिंग में गिनेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, साल में जब डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम अगर मीटिंग कंडक्ट करें तो उसे एनुअल जनरल मीटिंग कहेंगे। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, जो रिटायर हो गए डायरेक्टर उनके लिए उनकी जगह पे किसी नए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए मीटिंग कंडक्ट करी जा रही है, उन्हें हम ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनेशन ऑफ द ऑडिटर, किसी को अपॉइंट करना है, ठीक है, अब ऑडिटर को अपॉइंट करना है या फिर उसके रेम्यूनेशन की बात करनी है, उसके लिए हम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं, ठीक है। यह जितने भी हैं चार दे रखे हैं, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल डिविडेंड, फिर से अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग और फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इन सब को छोड़ के जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम स्पेशल बिजनेस कहते हैं। देन पेनल्टी फॉर डिफॉल्टिंग होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है टू होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग तो उससे कितनी पेनल्टी लगेगी? द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द फाइन एक्सटेंड टू 1,00,000 rupees इन केस। अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी मेंबर, ठीक है, डिफॉल्ट करता है कंप्लाइड टू सेक्शन 96, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 उसे 1,00,000 rupees की पेनल्टी लग सकती है अगर वही गलती वो करता जा रहा है, ठीक है, तो उससे आगे और भी फाइन भरना पड़ेगा विच मे एक्सटेंड टू 5,000 rupees फॉर ईच डे। हर दिन उसे 5,000 रुपए उसे भरना पड़ेगा जब तक वो डिफॉल्ट करता जाता है। देन कन्वे ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग, अब कब कहा जाएगा कि कोई भी मीटिंग जो कंडक्ट करी गई है या भी कन्वे करी गई है वह वैलिड है? तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट है, अगर उन्हें हम कंप्लाई करते हैं तो तब कहा जाएगा कि कोई भी मीटिंग जो कंडक्ट करी गई है वो वैलिड जनरल मीटिंग है। अब क्या क्या एलिमेंट है? पहला, प्रॉपरली कन्वर्ट होना चाहिए। अब प्रॉपरली कन्वर्ट कब कहेंगे? जब द मीटिंग मस्ट बी कॉल बाय प्रॉपर अथॉरिटी, किसी भी प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल जब बोले तब मीटिंग कंडक्ट करी गई कन्वे करी गई है उसे कहते हैं प्रॉपरली कन्वर्ट। देन प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 101 एंड 102। नोटिस जरूर दिया गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 एंड 102। ये दोनों एलिमेंट टू कॉल बाय प्रॉपर अथॉरिटी एंड मस्ट बी सर्व अ नोटिस, तब जाके कहा जाएगा प्रॉपरली कन्वर्ट मीटिंग करी गई है, पहला एलिमेंट। दूसरा, प्रॉपरली कंस्टिट्यूट, प्रॉपर कोरम मस्ट बी प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग, प्रॉपर चेयरमैन मस्ट बी प्रेजाइड द मीटिंग। प्रॉपर कोरम होना चाहिए, ठीक है, कोरम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, कोरम यहाँ लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है, कोरम कुछ लोगों का गठन होता है, ठीक है, अलग से बैठाए जाते हैं उन्हें किसी स्पेशल पर्पज के लिए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कोरम अगर सिंपल बात करें तो। देन प्रॉपर कोरम होना चाहिए,
और चेयरमैन भी अपॉइंट होना चाहिए उसमें, उसे कहते हैं प्रॉपरली कंस्टिट्यूट। अब बात करते हैं प्रॉपरली कंडक्ट। प्रॉपरली कंडक्ट कब कहा जाएगा? द बिजनेस मस्ट बी वैलिड ट्रांजैक्शन एट द मीटिंग, यूजुअली मस्ट बी प्रॉपरली मूव एंड पास वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड एंड पुट। वोट होना चाहिए या फिर वो बाय शो ऑफ हैंड हो या फिर ऑन पुल हो, प्रॉपर वैलिड ट्रांजेक्शन मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, वोट सही तरीके से दिया होना चाहिए, और प्रॉपर मिनट्स ऑफ मीटिंग मस्ट बी प्रिपेयर। मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर होना कंपलसरी है। अगर ये करी जा रही है तो ये तीनों एलिमेंट अगर मिल रहे हैं, ये तीनों एलिमेंट अगर मिलाए जा रहे हैं, तब अगर सही तरीके से हो रहा है तो हम कहेंगे कि वैलिड जनरल मीटिंग कन्वे करी गई थी। देन अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अब हम एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर ली, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जितने भी एनुअल जनरल मीटिंग छोड़ दी जाए, ठीक है, अगर कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग छोड़ के जितनी भी मीटिंग कंडक्ट करी जा रही है हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100। अब बात करते हैं कब कब एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करी जा रही है, फिर किस किस के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करी जा सकती है। पहला, बाय बोर्ड सुओ मोटो। अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 सबसेक्शन 1, अगर बोर्ड चाहती है कि हमें जरूरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करी जा सकती है जब चाहे तब बोर्ड, ठीक है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी व्हिच इज होली ऑन सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मे बी हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, जो होली ऑन सब्सिडियरी आउट ऑफ कोई भी कंपनी हो आउट ऑफ इंडिया, तो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आउट ऑफ इंडिया भी करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1। बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर सेक्शन 100 सबसेक्शन 2। अब कुछ मेंबर बोल रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी चाहिए, तो देन बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर द बोर्ड शैल कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन रिसीप ऑफ रिक्विजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग मेंबर ऑफ अ मेंबर्स। ये सब मेंबर अगर कहें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि आप मीटिंग कंडक्ट करिए, तो ये तब मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करी जा सकती है। देन फर्स्ट, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कोई कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, मे हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सच पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ कैरिंग ऑफ द राइट। अगर मेंबर्स जो हैं, अगर किसी कंपनी के पास हैविंग शेयर कैपिटल है, अगर उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/10 है, ठीक है, अगर वो बोले कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी है, तब करी जा सकती है बाय द बोर्ड। देन रिक्विजिशन कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो मेंबर हु हैव ऑन द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ रिक्विजिशन नॉट लेस देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। मेंबर्स जितने हैं, अगर उन सबको इकट्ठा करा जाए, तो 1/10 नॉट लेस देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर कलेक्ट हो रही है, अगर वो कह पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी, तब कंडक्ट करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 सबसेक्शन 2। टाइम पीरियड फॉर कॉलिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द वैलिड रिक्विजिशन। द कन्वे अ मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 45 डे फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन विद द कंपनी। पहले बात करेंगे कॉल्ड, अगर रिक्विजिशन ने कहा कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल करेगी मीटिंग, ठीक है, विद इन 21 डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द वैलिड रिक्विजिशन। और कन्वे, कॉल करना मतलब बताना, ठीक है, और कन्वे करना मतलब हेल्ड हो जानी चाहिए जनरल मीटिंग विद इन 45 डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन। देन आगे बढ़ते हैं, बाय रिक्विजिशन सेक्शन 100 बाय रिक्विजिशन निस्ट सेक्शन 100 सबसेक्शन 4। अगर एनुअल जनरल मीटिंग बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करी जा रही है, ठीक है, ओके, सो क्या करेंगे मेंबर कि अपने आप, वो कहे अपने आप ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। पढ़ते हैं, इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द वैलिड रिक्विजिशन इन रिगार्ड टू एनी मैटर प्रोसीड टू कॉल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ मैटर ऑन द डे और नॉट लेटर देन 45 डे फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सच रिक्विजिशन द मीटिंग मे बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय रिक्विजिशन देमसेल्फ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कंडक्ट कर पाता या कन्वे कर पाता है मीटिंग, ठीक है, विदिन 45 डे, तो क्या करेंगे मेंबर्स जो होते हैं जिन्होंने रिक्विजिशन रिक्वेस्ट करा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करनी चाहिए, वो अपने आप ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। हाउएवर इन सच केस द मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। मगर जो
रिक्वेजनिस्ट है वो अपनी जो एनुअल जनरल मीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है विद इन 3 मंथ के अंदर कंडक्ट कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, हेल्ड कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्वेजिशन, जब उन्होंने रिक्वेस्ट करा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिक्वेजिशन फॉर कन्विंग AGM by the member. The member may requisition convey of extraordinary meeting by providing such a requisition in writing or through electronic mode at least clear 21 day prior to propose the date such extraordinary meeting. जो members हैं requisition वो दूसरों को notice देंगे, ठीक है, वो अपनी extraordinary meeting की request करेंगे कि extraordinary meeting होनी चाहिए और वो बताएंगे, ठीक है, by writing या फिर electronic mode prior the अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करने से 21 दिन पहले। अब रिक्वेजिशन या फिर राइटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस मोड के द्वारा वो बताएंगे मेंबर्स को कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस कॉलिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द रिक्वेजिशन इन कॉलिंग द सच एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी इनकर्ड बाय द कंपनी टू रिक्वेजिशन, द कंपनी इन टर्न रिकवर सच एक्सपेंस फ्रॉम द फी from any fee or other remuneration under section 172 payable to such director who is defaulting calling the annual general meeting। जितनी भी अगर रिक्वेजिशन द्वारा हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करी, अगर कंडक्ट कर ली, ठीक है, तो एक्सपेंस तो खर्चे तो होंगे, जो खर्चे होंगे वो कंपनी भरेगी। मगर अगर डिफॉल्ट करते हैं कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, अगर डिफॉल्ट करते हैं डायरेक्टर टू कंडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग फी और रेमुनेशन में से जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो डिफॉल्ट डायरेक्टर के उसमें से फी और एक्सपेंस में से काट लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197। देन अब बात करते हैं बाय द ट्रिब्यूनल, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द रिक्वेजिशन देमसेल्फ। अब बाय द ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, सेक्शन 98 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। Section 98 provides that if for any reason it is impracticable to call a meeting of a company or to hold a conduct a meeting of company other than annual general meeting, the tribunal may either sua moto or application on a director or member of company who hold entitled to vote at the meeting, order the meeting of the company to call a held and conduct in a such a manner tribunal think fit, give a such actually convention director to think fit expedient to modify the supplement in calling the annual general meeting at think fit in an article। Agar समझ लीजिए एक्सटर्नल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई, ठीक है, तो मेंबर्स या डायरेक्टर एप्लीकेशन करेंगे ट्रिब्यूनल को कि बोलेंगे कि आप, या फिर ट्रिब्यूनल खुद कंपनी को बोल सकती है कि आप एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 98 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। देन अब बात करते हैं क्लास मीटिंग, हमने बात कर ली एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, अब बात करते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में यही है कि जो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर, ये तीनों अलग अलग को अब इन्हें क्या बोला जाता है, क्लास। ये चाहें तो अपनी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, इन्हें बोलते हैं क्लास मीटिंग, ओके। देन अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, कितने प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं, हम बोला जाते हैं कि कोई भी अगर काम करना है तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब वही रिजोल्यूशन हम पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, सेक्शन 114 रिलेट टू ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। सेक्शन 114 बताता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या है। Ordinary resolution, a resolution shall be ordinary resolution if the notice required under this act has been duly given and it is required to be passed by the vote cast, whether on show of hand or electronic on poll, as the case may be, in a favor of resolution, including the casting vote, if any, on of the chairperson by member who being the entitled so do in a order, vote in person or where proxy is allowed by the proxy postal ballot, accept the vote if any cast against the resolution by so entitled to any vote। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की बताया गया कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन होता है जो पास हो गया है, ठीक है, जितने भी अगेंस्ट में हमने वोट करे थे उससे ज्यादा जो रिजोल्यूशन, उससे ज्यादा हमें फेवर में वोट मिले हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। देन या वो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट हैंड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, ऑन पोल हो सकते हैं, या फिर पोस्टल बैलेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन सेल्फ स्पेशल रिजोल्यूशन कब कहा जाएगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा गया।
The intention to propose the resolution has a special reason has been duly specified in the notice calling the annual general meeting or other intimation give the member of resolution. Notice required under this act has been duly given and the vote cast in favor of resolution, whether a show of hand or electronic on poll, as the case may be, by members who, being entitled so to do, a vote in a person or by proxy or by postal ballot are required to be not less than 3 times the number of votes, if any, cast against the resolution by so entitled. सिंपल सी बात है, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वो होता है कि कोई भी वोट्स अगर जितना अगेंस्ट में वोट हुआ है उसके 3 times में ज्यादा वोट करी गई हो इन फेवर में, उसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे अब समझ लीजिए कि वोट किसी पॉइंट पर करा गया, अपॉइंट करा गया अगेंस्ट में 5 है, ठीक है, 5 वोट्स मिले अगेंस्ट में और फेवर में हमें 15 अगेंस्ट मिले, तो ये क्या हो गया, 3 times हो गया, इसका 3 times हो गया ऑफ अगेंस्ट against votes. तो ये जो 3 times ज़्यादा करा गया है, not less than 3 times the number of votes in favor, उन्हें हम कहा जाएगा special resolution बोलते हैं, according to section 140. Then अब बात करते हैं resolution requisition capital special notice. ये हम अगले chapter में start करेंगे, ठीक है? अगले भाग में start कर, अगले video में it means. So, यहाँ आज चैप्टर हमारे यहीं खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपडेटिंग न्यू वीडियो. थैंक यू सो मच.